चलिएगा गुड मॉर्निंग है सारी बातें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी आवाज बंद थी आवाज खोलना भूल गए थे ठीक है तो आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है सुबह की नमस्ते शश्रिया राधे राधे अब जो बातें बोली थी वो बीच में रिपीट हो जाएंगी ठीक है चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दू आज ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर और 29 सितंबर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो मेरे सभी साथी जो सुन रहे हैं एक बार बता दीजिएगा सभी लोग की हाँ जी सर सारी चीजें आप क्लियर है हमें ये शेड्यूल है देख लीजिएगा दोस्तों ये एस एस का स्पेशल बैच है जो चल रहा है आज ग्यारह बजे आज दिन के 11 बजे आप लोगों की क्लास है जो इकोनॉमिक्स की है वो आप लोगों की शुरू होगी ध्यान में रखना है ठीक है और स्पेशल क्लास वालों आज आप लोगों की दो स्पेशल क्लासेस हैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों को कितने बजे मिलेगी एक मिलेगी दो बजे और एक मिलेगी आपको चार बजे के आसपास स्पेशल क्लास ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ पर जो भी आपकी चीजें हैं ये बैच छह बजे है आप लोगों का जी टेन कोड है जो कि आप लोगों का एक महीने से लेकर चौबीस महीने तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है एक महीने से चौबीस महीने तक के सब्सक्रिप्शन पर ये डिस्काउंट आपको मिलता है ठीक है यहां पर आप लोगों को जो है लाइव क्लास मिलेंगी टेस्ट सीरीज मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों को मिलेगा ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर चालीस क्वेश्चन है आप लोगों के और पचास मिनट का यहां पर आपको समय मिलता है एक दो तीन रैंक लाने वालों को एक साल का एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी संडे बारह बजे इसको देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं मां सरस्वती जी का नाम लेकर के मां सरस्वती जी का आशीर्वाद से ट्वेंटी नाइन है और सबसे पहले आज हम करंट अफेयर की न्यूज को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद मेरे साथियों हम यहां पर पढ़ेंगे आप लोगों का जो हमारे एम और बाकी सारी चीजें हैं अवार्ड नहीं है ध्यान रख लीजिएगा ठीक है चलिएगा सेशन को शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग है और सभी को मेरे दोस्तों प्यारी सी नमस्ते है आप सभी लोग कैसे हैं बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास है पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा पहला क्वेश्चन सीधा नॉर्वे से आपके पास में ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखिएगा अगर हम बात करेंगे ध्यान से ये क्या है मास्टर कार्ड है क्या है मास्टर कार्ड तो मास्टर कार्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा जब आप लोगों के पास कोई डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है तो उस पर मेरे दोस्तों क्या होता है कई बार वीजा प्लेटफॉर्म पर आधारित कार्ड होता है कई बार रुपए प्लेटफॉर्म पर होता है और कई बार आप लोगों का क्या होता है मास्टर कार्ड होता है तो ध्यान से आपको समझना है कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है आप लोगों के वर्ल्ड चेस चैंपियन मेगनास काल्सन बहुत पुराना नाम है आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मतलब यहां पर अगर हम पूछने लगे कि भैया मास्टर कार्ड ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया है तो आप बोलोगे मेघना स्कालसन को बनाया है बिल्कुल क्लियर है अब यहां पर सबसे पहले जो मेघना स्कालसन है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते, है? तो करते हैं तो साथियों ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से कहां से बिलोंग करते हैं नॉर्वे से तो ये हमारा क्या है नॉर्वे मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा तो मास्टर कार्ड ने वर्ल्ड चेस चैंपियन मेगनास कार्लसन को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अब दो तीन चीजें यहां से निकल करके आएंगी सबसे पहली बात जो इससे जुड़ी हुई होंगी दोस्तों अगर हम बात करेंगे अभी भारत में जो ग्रैंड मास्टर एक ग्रैंड मास्टर उपाधि है जो मेरे दोस्तों अभी भारत में किसको मिली है और कौन से नंबर की है तो सत्तरवे नंबर के हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दोस्तों राजा ऋत्विक क्या नाम है राजा ऋत्विक उनका नाम है याद रखेंगे अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि भैया जो हमारा नॉर्वे ओपन है नॉर्वे ओपन है आप लोगों का चेस चैंपियनशिप है ये इसको जीतने वाले कौन थे डी गुकेश थे कौन थे डी गुकेश जिन्होंने नॉर्वे ओपन को अभी हाल ही में जीता है नॉर्वे ओपन 2021 है दोस्तों जैसे मास्टर कार्ड है वैसे ही आप लोगों का वीजा है तो वीजा प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में एच ने कौन से बैंक के साथ में मिलकर के तो पेटीएम के साथ में मिलकर के एक आप लोगों का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कोई अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगे कि भैया जो अभी हाल ही में कौन से बैंक ने पेटीएम के साथ में मिलकर के या एच ने किसके साथ में मिलकर के वीजा प्लेटफॉर्म पर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है तो ये आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या बनेगा वीजा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का जो है एचडीएफसी पेटीएम है ध्यान रखेंगे और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा बीपीसीएल है क्या है बीपीसीएल है और बीपीसीएल ने किसके साथ में बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने किसके साथ में उसने प्यारे दोस्तों के के साथ में मिलकर क्या लॉन्च किया है उसने भी मेरे दोस्तों रुपए पर कौन से प्लेटफॉर्म पर रुपए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक कार्ड लॉन्च किया है ये बीपीसीएल वही है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई के अंदर है कहां पर है साथियों मुंबई के अंदर है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिएगा तो ये सारी की सारी चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ओके चलो आगे चलते हैं साथियों तो आगे आप लोगों की जो चीजें हैं यहां पर ये समझ में आ गई होगी कोई डाउट तो यहां पर नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं साथियों तो आप लोगों के लिए एनसीसी एनसीसी का नाम आपने काफी सुना होगा नेशनल क्रेडिट मेरे दोस्तों कॉप्स अगर हम नॉर्मली बात करेंगे ठीक है तो यहां पर जो हमारी एनसीसी है जिसके बारे में मैं नॉर्मली आप सभी लोगों से बात करूंगा तो जो हमारे तरुण सिंह आईचो थे मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से लेकिन अभी जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है मेरे दोस्तों तो उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह गुरबीर पाल सिंह ध्यान से समझिएगा इस बार जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो या तो वो आपसे बी के पूछेंगे या फिर वो आपसे आई के पूछेंगे या फिर मेरे दोस्तों वो एन के ही पूछ लेंगे आपसे इन तीनों में से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछा जाएगा तो जो हमारा मेरे दोस्तों एन है ये कौन बने हैं गुरपाल सिंह जो है वो एन के क्या बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है ध्यान रखनी है जब मैं आपसे बात करूंगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा जब मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि डी जो आप लोगों की टू पॉइंट ओ एप है उसको लॉन्च किसने किया था तो उसको लॉन्च करने वाले थे अजय कुमार जो कि हमारे मेरे दोस्तों क्या है डिफेंस सेक्रेटरी हैं। याद रख लीजिएगा अभी दोस्तों हमारा चल रहा है सितंबर और सितंबर के बाद हमारा क्या आएगा अक्टूबर और अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर तो जैसे ही नवंबर आएगा तो ध्यान से समझना जो फोर्थ संडे होगा क्या होगा जो फोर्थ संडे होगा मेरे दोस्तों नवंबर का वही आप लोगों का एनसीसी डे के रूप में मनाया जाएगा क्या मनाया जाएगा एनसीसी डे के रूप में मनाया जाएगा जो कि आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या होगा फोर्थ संडे होगा नवंबर का ध्यान से समझ लीजिएगा ठीक है अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा ठीक है और इवन जब हमारा मेरे दोस्तों क्या होता है आप लोगों का जैसे एनसीसी की परेड होती है बेसिकली तो वो नवंबर के चारों संडे ही मनाई जाती है मतलब जो चारों संडे होंगे नवंबर के उसमें ही आप लोगों की होगी चाहे पहला हो दूसरा हो तीसरा हो लेकिन जो फाइनल परेड है तो बोलने को अगर एक ही दिन बोलेंगे तो फोर्थ संडे बोल देंगे लेकिन वो मनाई वैसे बेसिकली जो एनसीसी डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो चारों ही संडे को करते हैं ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे तो ये गुरबीर पाल आपको पता लग गया फोर्थ संडे आपको पता लग गया डीजी एनसीसी टू पता लग गया बी के बता दो कौन है तो अभी हाल ही में चुने गए हैं बी के पंकज ठीक है और ITPP के भी तो अभी हाल ही में चुने गए संजय याद रख लीजिएगा कौन है संजय मेरे दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखनी है यही सब चीजें पूछी जाएंगी जो मैंने आपको बताया अच्छा ये चौंतीसवें नंबर के हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए मतलब एनसीसी के जो भी बनाए गए हैं मेरे दोस्तों महानिदेशक गुरबीर पाल तो ये चौतीसवें नंबर के हैं ये भी साथ में अपनी उसमें नोट कर लीजिएगा इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा ठीक है इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों तो ये आप लोगों की आज की तीसरी न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान देंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या है डीआरडीओ है अब यहां पे तीन चार चीजें का नाम आपके सामने आएगा डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से ठीक है आकाश प्राइम मिसाइल का सफल प्रथम उड़ान परीक्षण मेरे दोस्तों किया है तो जो हमारी मेरे दोस्तों देखो ध्यान से समझिएगा जो हमारी ये आकाश मिसाइल है या आकाश प्राइम मिसाइल है ठीक है तो ये मेरे दोस्तों हमारी कैसी मिसाइल है तो ये मिसाइल है हमारी सरफेस टू एयर सर फेस टू एयर मेरे दोस्तों ठीक है मतलब सतह से हवा में मार करने वाली आप देख रहे हो ना इसको इस तरह से तो ये हमारी मेरे दोस्तों कैसी है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश प्राइम मिसाइल है दोस्तों अगर मैं आकाश प्राइम मिसाइल के वेरिएंट की बात करूंगा तो इसमें आप लोगों का आकाश एम के वन आई थी आप लोगों की आकाश वन ऐसे और अभी जो लॉन्च हुई है मेरे दोस्तों आकाश प्राइम आकाश एनजी भी इसी का है ठीक है तो ये इसके वेरिएंट मिलेंगे आकाश एम के वन मिलेगा आकाश वन एस मिलेगा और आकाश प्राइम जिसको तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं आकाश प्राइम की बात कर रहे हैं जिसकी जो रेंज है मेरे दोस्तों वो 27 से तीस किलोमीटर है है कितनी है? 27 से तीस किलोमीटर है याद रख लीजिएगा चाहे वो हम आकाश प्राइम की बात करें या आकाश एन की बात करें तो ये हमारी जो इसकी रेंज है वो सत्ताईस से कितनी है तीस किलोमीटर तक उसकी रेंज है और दोस्तों इसका जो अगर आपसे पूछेंगे कि इसको डेवलप किसने किया है तो डेवलप करने वाला जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा नई दिल्ली में और एक जनवरी उन्नीस को यह बनाया गया था हेड का नाम क्या है जी सतीश रेड्डी है कौन है साथियों जी सतीश रेड्डी है जबकि मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे हम इसको मैन्युफैक्चर जो किया है आप लोगों का जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा भारत क्या जाएगा? भारत डायनेमिक्स डायनेमिक्स लिमिटेड लिमिटेड क्या आ आ जाएगा जाएगा याद रख लीजिएगा ठीक है तो यहां पर दो तीन चीजें आप लोगों को जो समझनी है मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को ये डीआरडीओ है इसने मेरे दोस्तों इसका टेस्ट किया है फ्लाइट टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल का जिसकी रेंज कितनी है सत्ताईस से तीस किलोमीटर है जिसको मैन्युफैक्चर किया है किसने BDL ने डेवलप किया है किसने डीआरडीओ ने सभी लोग जानते हैं डीआरडीओ के बारे में और दोस्तों कहां से किया है जो उड़ीसा का चांदीपुर कोस्ट है वहां से मेरे दोस्तों आप लोगों का इसको किया गया है ये सभी चीजें अच्छा ये मिसाइल कैसी है तो सरफेस टू एयर मिसाइल है मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे ज्यादा जरूरी सतह से हवा और आपका सत्ताईस से तीस है और आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से कल हमने पढ़ा था आज हम उसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं कल मैंने एक न्यूज आपको पढ़ाई थी और वो न्यूज हमारी कुछ इस तरह की थी नेक्स्ट न्यूज है हमारी उसमें क्या है आप लोगों का कि भैया इंडिया इंडिया का मतलब क्या है हमारा प्यारा भारत ठीक है हमारे प्यारे भारत ने तीन सिल्वर मेडल जीते हैं ठीक है थेके? कहां जीते हैं सर जो हमारा आर्चरी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हमारी चल रही थी यूएसए के अंदर 2021 तो सिंपल सी बात है दो तीन क्वेश्चन आपको यहां पे क्या बन सकते हैं पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आर्चरी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2021 हजार कहां चल रही थी तो आप लोग बोलोगे मेरे दोस्तों यांगटन यूएसए में कहां पर यांग यूएसए में पहली बात आप लोगों की चलिएगा दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों भारत ने कितने मेडल जीते तो भारत ने तीन सिल्वर मेडल जीते हैं जिसमें पहला मेरे दोस्तों वुमेन इंडिविजुअल में जीता है ठीक है तो वो ज्योति सुरेखा कल ही मैंने आपको पढ़ाया था और ज्योति सुरेखा के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था बिल्कुल अब हम अगर बात करेंगे वुमेन कंपाउंड टीम में मेरे दोस्तों तो वुमेन कंपाउंड टीम में कौन है आपकी ज्योति सुरेखा है और मेरे दोस्तों मुस्कर किरार है और प्रिया गुज्जर है. है तो यह भी मेरे दोस्तों क्या है सिल्वर मेडल है अब ये वाले नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जनरली नहीं जनरली सिंगल पर्सन का नाम पूछा जाता है क्योंकि चैंपियनशिप जो है उतनी मेन चैंपियनशिप नहीं है तो एक सिंगल नाम ज्योति सुरेखा इसलिए कल आपको पढ़ा दिया था हाँ ओवरऑल मेडल अगर पूछे जाएंगे तो तीनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और दोस्तों जब कंपाउंड मिक्स्ड टीम की हम बात करेंगे तो उसमें आप लोगों के अभिषेक वर्मा है और ज्योति सुरेखा है लेकिन अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है क्या बात ध्यान में रखनी है कि ज्योति सुरेखा कौन से गेम से रिलेट करती है तो आप सिंपल बता दोगे मेरे साथियों कौन सा गेम है तो हमारा यहाँ पे आर्चरी है उसके बाद मेरे दोस्तों जो मुस्कार किरार है वो किससे हैं तो वो भी आपके आर्चरी हैं और जो प्रिया गुज्जर हैं वो भी आर्चरी हैं साथ में जो अभिषेक वर्मा है ठीक है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा अभिषेक वर्मा वाला कि अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में यांगटुन में हुई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता वह कौन से गेम से बिलोंग करते हैं क्यों क्योंकि दो तीन अभिषेक वर्मा और हैं जो दूसरे गेमों से रिलेट करते हैं इसलिए थोड़े से हिंट को क्या कर देंगे वो बढ़ा देंगे तो अभिषेक वर्मा भी आर्चरी से हैं और आर्चरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस बार पैरालंपिक में आर्चरी में, में मेडल किसने जीता था तो हरबिंदर ने मेरे दोस्तों तो जो हरविंदर सिंह थे उन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और आर्चरी जो है आप लोगों की अगर पूछा जाएगा तो ये भूटान का नेशनल गेम है कहां का नेशनल गेम है भूटान का नेशनल गेम है इसको ध्यान में रख लीजिएगा क्लियर है अब दोस्तों यहां पर आप लोगों का यूएसए आया है अब यूएसए को गेम्स के तौर पे कैसे देखेंगे तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछने लगा कि वर्ल्ड गेम्स 2022 कहां होंगे वर्ल्ड गेम्स 2022 कहां होंगे यूएसए में होंगे क्लियर बात है और दोस्तों 2028 का जो आप लोगों का समर ओलंपिक है क्या है समर ओलंपिक है वो कहां होगा तो वो भी यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेबीज डे से है कल भी पढ़ाया था आज भी पढ़ा रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा सारी चीजें आप लोगों को जो है यहां पर क्लियर हो गई होंगी ठीक है चलिएगा कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों को एक बार बता देंगे सभी मेरे साथी ठीक है पेन गिरा है मतलब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में ठीक है ओके दोस्तों यहां पर दो तीन चीजें हैं जो हमें समझने को समझने को है तो पहला क्वेश्चन रेबीज डे कब मनाया जाता है अट्ठाईस सितंबर आप सभी को क्लियर है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर ठीक है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर ये आप लोगों की थीम है कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल मेरे दोस्तों सेलिब्रेट करती है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल इसको सेलिब्रेट करती है और, और 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 आप लोगों का क्या है और मेरे दोस्तों आप लोगों के कहां गए लुई पार्सर लुई पार्सर लिखा होगा कहीं पे ये लिखा हुआ लुई पार्सर ठीक है और लुई पार्सर ने टीके की खोज की थी तो इनकी मृत्यु वाले दिन मेरे दोस्तों डे सेलिब्रेट किया जाता है मतलब मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं ध्यान से समझिएगा कितनी चीजें हमने पढ़ी वर्ल्ड रेबीज डे अट्ठाईस सितंबर कर पढ़ लिया था। थीम की जब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों रेबीज फैक्ट नोट फियर याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन हो गया और तीसरा, तो तीसरा मेरे दोस्तों पर क्या है? कि इसकी जो आपके टीके की तो मृत्यु हुई थी 28 सितंबर को ये आपका डे मनाया जाता है और रेबीज फ्री आप लोगों का हाल ही में कौन सा स्टेट हुआ है भारत का तो रेबीज फ्री हुआ है गोवा तो ये पांच के पांच क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे क्लियर होने चाहिए क्लियर है पांचों क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों पर सबसे पहले अब जीडीपी ग्रोथ की थोड़ी सी जीडीपी को उठा लेते हैं अपनी जो हमारी जीडीपी है उसको हम थोड़ा सा यहां पर उठा लेते हैं तो दोस्तों ये क्या है इकरा इकरा के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने तो ये जो इकरा है मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा ठीक है इसकी फॉर्म क्या होती है फोर इंफॉर्मेशन सी फोर क्रेडिट आर फोर रेटिंग ए फोर एजेंसी क्लियर है इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी याद रख लीजिएगा ये आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म होती है तो इसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 2022 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 2022 के लिए, कितनी की है? 9 की है तो मेरे दोस्तों कैसे याद रखेंगे अक्सर जब भी किसी को कोई इकरार करना होता है वर्ल्ड हार्ट डे है तो अगर किसी को इकरार करना होता है तो इकरार और इजहार करने में अक्सर कुछ लोग नो बोल दिया करते हैं नो 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 तो इकरा ने जो इकरार किया उसमें नो बोल दिया कि नो ठीक है तो ये आप लोगों का जो है इकरा नो परसेंट है नो परसेंट है नो परसेंट है ठीक है तो जब भी आप इकरा की बात करेंगे इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है और दोस्तों यहां पर इसने कितनी की है नो परसेंट की है जबकि अगर मैं बात करूंगा पिछले साल के लिए जो हमारा यूएनसीटीएडी है उसने कितनी की है सेवन की है UNCTAD ने अच्छा एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कितने पर है ये दस परसेंट पर है हमारा तो इकरा मेरे दोस्तों नो पर है एशियन डेवलपमेंट कितने पर है दस परसेंट पर है याद करिएगा ठीक है यहां पर ये रही आप लोगों की मेरे दोस्तों तो इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिंग रेटिंग जो आप लोगों की क्या कहते हैं एजेंसी है और आपको अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो ये चीज आप लोगों को यहां पे पूछ ली जाती है कब बनी थी उन्नीस में बनी थी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं पूछा जाता और मेरे दोस्तों एन शिवरमन एन शिवरमन इसके सीईओ है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि खबरों में नहीं है ठीक है तो एन शिव इसके सीईओ है पता होना नॉर्मली जायज है और ये भारत की ही है ये भी याद रखेंगे 1991 में बनी थी ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन आ जाएंगे काफी इंपोर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी इसको ध्यान में रखेंगे बहुत बढ़िया तो यहां पर दो तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जैसे कि मेरे दोस्तों अगर हम मैं आपसे पूछने लगू कि राइट टू तो इंफॉर्मेशन एक्ट जो है मेरे दोस्तों या फिर हम ये बात करेंगे आप लोगों से कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा एक अधिकार है वो हमारा कौन से मौलिक अधिकारों में है बिल्कुल 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 या फिर जो हमारा आर एक्ट है आप लोगों का वो हमारा मेरे साथियों जो है कब आया था या कब उसके बारे में मेरे दोस्तों हमारा पता लगा था तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा फटाफट से मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा अब मैं यहां पर पहले एक चीज आप लोगों को बता दू क्या है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब भैया जैसे वोट डालना वोट डालना क्या है एक सार्वभौमिक अधिकार है तो वैसे ही सूचना तक पहुंचने का हमारा एक सार्वभौमिक अधिकार है इसी के लिए आपका जो दिवस है वो मेरे दोस्तों क्या है 28 सितंबर को मनाया जाता है मतलब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे याद रखोगे सर जी हमें कुत्ते ने काटा हमें कुत्ते ने काटा ठीक है और रेबीज का इंजेक्शन लगवाना या मेरे दोस्तों रेबीज की इंफॉर्मेशन रखना हमारा सार्वभौमिक अधिकार है हमें कुत्ते ने काटा और हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है यह सूचना हमें होनी चाहिए तो मैंने रेबीज से सूचना को रिलेट कर दिया तो मेरे दोस्तों सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो आपका 28 सितंबर है इसको जरूर याद रखिएगा द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ठीक है द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद टू इंफॉर्मेशन तो 28 सितंबर को रेबीज डे है और 28 सितंबर को ही क्या है मेरे दोस्तों सार्वभौमिक तौर पर सूचना का अधिकार मेरे दोस्तों ये भी आपका 28 को है अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था किस चीज का आर टी आई एक्ट का तो दोस्तों RTI Act, right to Information Act आप लोगों का ये आया था 2005 में एक क्वेश्चन आप लोगों का मेरे दोस्तों पूछा जाता है कि आर टी आई एक्ट जो है वो किसके स्थान पर आया था जो आर टी आई एक्ट है वो किसको रिप्लेस करके आया था तो दोस्तों एक हमारा क्या था फ्रीडम एक्ट 2002 था कौन सा एक्ट था मेरे दोस्तों फ्रीडम एक्ट जो है आप लोगों का 2002 था मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ठीक है तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को सुधार करके 2002 में वो आया था तो वापस आरटीआई एक्ट 2005 में आप लोगों का लॉन्च किया गया था या इसको लागू किया गया था ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिएगा तो ये चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा इसी के साथ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैंने आपको 25 सितंबर पढ़ाया था तो 25 सितंबर को एक तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था कौन सा वर्ल्ड फार्मासिस्ट और एक पच्चीस सेप्टेंबर को कौन सा था एनवायरमेंट हेल्थ डे तो जैसे 28 को दो दिन है आप लोगों के वैसे 25 को भी दो दिन थे 25 को था वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आप लोगों का और साथियों एक कौन सा था आप लोगों का तो 25 को ही हमारा मेरे दोस्तों कौन सा दिन हमने मनाया था एनवायरमेंट हेल्थ डे था और ऐसे ही 18 28 को हमने रेबीज मनाया है और सार्वभमिक जो सूचना है उसका हमने बनाया था याद रख लीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है किताब का नाम है और एक किताब हम करते हैं तीस तारीख को सारी करवा दूंगा तो दोस्तों बैटल ऑफ लॉ तो ये क्या है बैटल ऑफ रीगेजिंग लॉ आप लोगों का इसको लिखने वाले कौन है इसको लिखने वाले हैं कुलप्रीत यादव कुलप्रीत यादव ठीक है एक तारीख को पूरा सितंबर आपके सामने मिल जाएगा आपको ठीक है तो दोस्तों द बैटल ऑफ रीगिंग लॉ आप लोगों का ध्यान से समझिएगा कुलप्रीत यादव की बुक है याद लिख लेंगे ठीक है तो ये काफी मतलब बुक इंपोर्टेंट होती है बुक आती ही आती है पेपर में कई बार नई कई बार पुरानी बैंक का पेपर है तो नई किताब आप लोगों को मिलेगी ध्यान से समझिएगा ठीक है चलिएगा ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है ये 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 ये, ये इंपोर्टेंट है चलिएगा ओके चलो आगे 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 चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहां पर सानिया मिर्जा देखो अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कई बार आपसे ना टेनिस ट्रॉफी पूछ ली जाती है टेनिस ट्रॉफी क्या पूछ ली जाती है टेनिस ट्रॉफी तो जो हमारी टेनिस ट्रॉफी है अगर हम टेनिस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे तो टेनिस ट्रॉफी कौन सी है आपकी ओपन कौन सी है ओपन तो उस का जो आप लोगों का क्या है वुमेन्स डबल है वो मेरे दोस्तों किसने जीता है सानिया मिर्जा ने जीता है और जांग सुई ने जीता है अभी जांग सुई जो है वो नाम से ही पता लग रहा है वो आपका किससे पता लग रहा है नाम से ही पता लग रहा है चाइना से किससे है चाइना से ठीक है तो सानिया मिर्जा ने और जांग सुई ने ओस्तारवा ओपन जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का डबल्स है वो जीता है लेकिन एक बात मैं आपको बता दू ये जो आपका डब्ल्यू टूर है ना ये ये जो ट्रॉफी है आपकी ओस्तारवा ओपन तो ओस्तारवा ओपन केवल फीमेल के लिए है केवल फीमेल के लिए है किसके लिए है केवल फीमेल के लिए है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मतलब जो सानिया मिर्जा हैं और चाइनीज पार्टनर है वुमेन्स डबल फाइनल जीता है कहां पर ओपन चेज रिपब्लिक का कहां पर चेज रिपब्लिक का अच्छा इसका सिंगल किसने जीता है तो आर्यन सबलिंका ने इसका जो सीनियर आ, सिंगल जीता है वुमेन सिंगल वो आर्यन सबलिंका ने जीता है ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा क्लियर हो गया आप लोगों को यहां पे मतलब उतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अब चूंकि सानिया मिर्जा ने जीती है मतलब भारतीय मिली हुई है तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा ठीक है तो वुमेन्स डबल जो है सानिया है और दोस्तों आप लोगों की सुई है और जो हमारा ओपन इसमें सिंगल वाला है वो जीता है आर्यन सबलिंका ने इम्पोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं मेरे दोस्तों फटाफट -फड़ से अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ध्यान से समझिएगा एक रेलवे स्टेशन का नाम है ठीक है हां दोस्तों यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गई है मैंने अभी अभी एक कमेंट पढ़ा आप लोगों का एक आपके लिए गड़बड़ हो गई हाँ वो क्या कहते हैं वो फ्लो फ्लो में हो गया मामला ये दोस्तों जो 25 सितंबर है ना 25 सितंबर, जो 25 सितंबर है उस दिन अंतोदय दिवस है कौन सा दिवस है अंतोदय दिवस है ठीक है याद रख लीजिएगा उसको ठीक है अंत्योदय दिवस है जो दीनदयाल उपाध्याय वाला है तो वो अभी आप लोगों का जो है उसको याद रख लीजिएगा ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर क्या है जो रामचंद्रन सेंट्रल है या फिर अगर मैं बात करूं चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ध्यान से समझना जो मेरे दोस्तों क्या है अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से समझिएगा जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो अब फुल्ली मेरे दोस्तों क्या हो गया है सोलर एनर्जी बेस्ड हो गया है क्या हो गया है सोलर एनर्जी बेस्ड ये देखेंगे तो पहले आप लोगों का जो था 100 प्रतिशत ऊर्जा उसको किससे मिल रही है सोलर एनर्जी से मिल रही है मतलब जो हमारी सौर ऊर्जा है ना वहां से उसका 100 परसेंट जो है वो मिल रहा है अब आप बोलोगे कि सर इसमें फिर नया क्या हुआ या ये क्यों किया तो इसके लिए देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा मैंने आपको एक बात बताई थी मैंने आपको एक बात क्या बताई थी कि भारत का एक टारगेट है 2030 तक कब तक 2030 तक भारत का एक टारगेट है कि भैया उसने नेट जीरो कार्बन अमीशन नेट जीरो कार्बन अमीशन करना है मेरे दोस्तों किस में रेलवे में या फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 2030 तक भारत जो है वो फुल्ली रेलवे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो जाएगा ये भी बात आपको बता रखी है तो जो कार्बन अमीशन है जो कार्बन अभी उत्सर्जन होता है वो कितना करना है वो जीरो करना है कब तक 2030 तक तो उसी का मेरे दोस्तों पार्ट है क्या कि जो 100 परसेंट एनर्जी है अब वो थ्रू सोलर एनर्जी है कौन से स्टेशन पर सेंट्रल चेन्नई स्टेशन पर आप लोगों का ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है तो जीरो कर लेना है जो कि बहुत जा, बहुत ज्यादा आप लोगों का क्या है जरूरी है जरूरी है जरूरी है, जरूरी है याद रख लीजिएगा अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे अब यहां पर जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है आप लोगों की उसकी क्षमता कितनी है 1.5 मेगावाट है तो ये इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा यहां पर स्टेशन की जो सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता कितनी है तो 1.5 मेगावाट है यह भी आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ध्यान से समझिएगा यह जो हमारा एनर्जी न्यूट्रल वाला पार्ट है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2030 तक हमें क्या करना है नेट जीरो कार्बन करना है उसी का यहां पे पार्ट आप लोगों के सामने आता है इंपॉर्टेंट है कोई डाउट है यहां पर बता देंगे छोटा सा क्वेश्चन है नॉर्मली इंफॉर्मेशन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है तो 1.5 पॉइंट मेगावॉट ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ओके चलिएगा आगे चलते हैं मेरे दोस्तों फटाफट से अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ग्यारह है तो तेहरा न्यूज की तेहरवी हमें बेसिकली करनी होती है तो ग्यारहवीं न्यूज पे हम पहुंच चुके हैं तेहरा न्यूज की तेहरवी आपके सामने होगी उसके एमसीक्यू होंगे तो इसी तरह से चीजें आपकी चलती रहेंगी ठीक है दोस्तों एक नाम है जिसमें है देवव्रत मुखर्जी नाम क्या है देवव्रत मुखर्जी अब इनको क्या चुना गया है चीफ बनाया गया है प्रमुख बनाया गया है और किसका प्रमुख बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ठीक है अब यहां पे आप लोगों के लिए शायद ये नया होगा कि सर जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है, कैसे काम करता है रट्टा तो मारना नहीं है तो ऑडिट से तो पता लग गया होगा आप लोगों को कि ऑडिट का मतलब क्या है इंस्पेक्शन ऑडिट का मतलब क्या है इंस्पेक्शन होता है ऑडिटर जो होते हैं या ऑडिट का मतलब जो होता है इंस्पेक्शन होता है तो ये क्या है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है देवव्रत मुखर्जी है क्लियर है आप सभी लोगों को अब समझिएगा कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कैसे काम करती है न्यूज एजेंसी से इसका क्या संबंध है तो यहां पर देखो ध्यान से समझेंगे ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है आपको पूरा नहीं लिखना होता मैं तो आपको समझाने के लिए कि आपको पीपीटी में पूरा मिल जाए इसलिए मैं आपको ये लिख करके लाता हूं ठीक है ऑफ इंडिया गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिट संगठन है इसको छोड़ दीजिएगा यह भारत में क्या काम करती है जो हमारे समाचार पत्र हैं न्यूज पेपर है या जो हमारी मैगजीन है मेरे दोस्तों उन सहित जो प्रमुख प्रकाशन है पब्लिकेशन है उनके प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षा करती है मतलब मेरे दोस्तों ये वो एजेंसी है जो हमारे न्यूज़पेपर की ऑडिटिंग करती है जो गहर जो हमारे पब्लिकेशन है फेमस फेमस उनकी ऑडिटिंग करती है या फिर जो हमारी मैगजीन्स हैं उनकी मेरे दोस्तों क्या करती है ऑडिटिंग करती है ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा इसको शुरू किया गया था उन्नीस में याद रखिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे ठीक है तो अगर कोई आपसे पूछने लगे देवव्रत मुखर्जी कौन है तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के हेड बनाए गए हैं यह बेसिकली काम क्या करती है ये न्यूज़पेपर की ऑडिटिंग करती है साथियों मैगजीन की ऑडिटिंग करती है और साथ में जो हमारे पब्लिकेशन है फेमस मतलब ये छपाई वाला जितना भी काम है उसकी आप लोगों की ऑडिटिंग करती है

अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सीधे चलते हैं दुबई तो ये क्या है दुबई है साथियों क्या है दुबई है आप लोगों का तो दुबई की अगर हम बात करेंगे तो दुबई का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो कौन है चाइना दुबई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है चाइना और हम जनाब दूसरे नंबर पर आ गए हैं तो दुबई के सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन बना है भारत मेरे साथियों क्या है भारत है याद रख लेंगे और हमने कितना मेरे दोस्तों जो पैसा है उसको टच कर लिया है तो हमने मेरे दोस्तों अड़तीस दशमलव पांच को टच कर लिया है पहले हाफ में 2021 के तो 2021 का जो पहला हाफ है उसमें हमने ट्रेडिंग में दुबई के साथ में 38.5 को टच कर लिया है काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा ठीक है तो यहां पर अब आपसे पूछा जाएगा भैया यू की कैपिटल बता दो और यू की करेंसी मुझे बता दीजिएगा फटाफट से दुबई का बिगेस्ट पार्टनर चाइना है और हम दूसरे नंबर के पार्टनर बन चुके हैं दुबई के और यहां पर अगर कोई आपसे पूछेंगे आईपीएल कहां हो रहा है तो आप बोलोगे यूएई में हो रहा है बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कोई अगर आप लोगों से मेरे साथियों क्या बोलने लगे कोई आप लोगों से बोलने लगे कि इस बार का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कहां होगा भैया तो ये भी हमारा मेरे दोस्तों कहां पर होगा बिल्कुल आबुधाबी धीरह आबुधाबी धीरम तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों ये पता होनी चाहिए नॉर्मल चीजें हैं ठीक है ठीके? पता होनी चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 38.5 बिलियन जो है है याद रखेंगे ठीक है दोस्तों ये हो गया आप लोगों का यहां पर अब हम बात करते हैं किसकी की बात करते हैं तो वर्ल्ड हार्ट डे है जो हमारे ब्लड की पंपिंग करता है ब्लड को प्योरीफाई करके हमारे अंग अंग तक पहुंचाता है वो है हमारा हार्ट हमें अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहिए मेरे दोस्तों एक बार बच्चों ने क्या था एक बार बच्चों के साथ में मैं दो बजे टेस्ट ले रहा था की ऐप पे मैंने कहा आप लोगों को समोसा खिलवाऊंगा ठीक है और मैंने क्या कहा आप लोगों को पिज्जा खिलवाऊंगा जो टेस्ट में पहला आएगा ठीक है लेकिन मैंने बच्चों से बोल दिया फिर मैंने दोस्तों क्या है ना पिज्जा खिलवाया ना कोल्ड ड्रिंक पिलवाई क्यों क्योंकि मुझे तुरंत वर्ल्ड हार्ट डे की याद आ गई कि बच्चों का दिल जो है वो मुझे दुरुस्त रखना है हालांकि दिल टूटेगा लेकिन दिल को दुरुस्त रखने के लिए दिल को तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए समोसा चटनी या फिर आप पिज्जा इन सबको नहीं खाना चाहिए ज्यादा लेवल पे ठीक है क्योंकि फिर दिल को नुकसान होता है और दिल को पहुंचती है ठीक है चलिएगा तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में क्योंकि दिल तोड़ने से ज्यादा दिल को स्वस्थ रखना ज्यादा जरूरी है और गवर्नर कौन है आरबीआई के शक्तिकांता दास है सभी लोग जानते हैं डिप्टी गवर्नर कौन है महेश कुमार जैन है सभी लोग जानते हैं उसके बाद साथियों अगर मैं नॉर्मली आप सभी से बात करूंगा तो माइकल डी पात्रा मिशेल डी पात्रा वो भी हैं एम राजेश्वर राव हैं टी रविशंकर हैं और अजय कुमार क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं ये सभी चीजें याद रख लीजिएगा ठीक है तो इसमें कोई डाउट अगर आपको होगा तो पूछ लीजिएगा ओके चलो आगे चलते हैं दोस्तों आज इकोनॉमिक्स का बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं प्लस पे वो जरूर आ जाइएगा ग्यारह बजे बाकी लोग अभी ज्वाइन मत करिएगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से आप लोगों के लिए तो अब हमारे करंट के एमसीक्यू है आज एमसीक्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ठीक है चलो शुरू करते हैं ध्यान से थोड़ा पानी पी लिया जाए आप लोग लाइक वाइक कर दो एक बार फटाफट से और एमसीक्यू कितने हैं इक्कीस एमसीक्यू है ओके तो इक्कीस एमसीक्यू का दान दिया जाएगा तेहरवी के बाद दान भी तो करना पड़ता है ना तो इक्कीस एमसीक्यू का दान है चलो चलो ठीक हां अभी करना भी नहीं है देवेंद्र जी अभी करना भी नहीं है ठीक है चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 25 सितंबर 2021 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के छिहत्तरवे सत्र का विषय क्या था तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको विषय बताया था कि बिल्डिंग रिसाइलेंस थ्रू होप आप लोगों का यहां पे विषय बनेगा बिल्डिंग रिसाइलेंस थ्रू होप आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है आत्मनिर्भरता को खड़ा करना है किसके साथ में खोफ के साथ में तो सबसे पहले जरूरी है क्या यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली तो दोस्तों ये हेडक्वार्टर कहां पर है न्यूयॉर्क में है सेशन कौन से नंबर का था छिहत्तर छिहत्तरवे सेशन को हेड कौन कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो यहां पर आप लोगों के जो हेड कर रहे हैं अब्दुल्ला कौन है अब्दुल्ला शाहिद मेरे दोस्तों कौन अब्दुल्ला शाहिद सबसे पहले भैया स्पीच कौन देता है तो सबसे पहले स्पीच जो देता है वो आप लोगों का ब्राजील देता है मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों 2023 दो को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कैसा ईयर घोषित किया है तो मिलिट मेरे दोस्तों बाजरा का ईयर घोषित किया है और बाजरा सबसे ज्यादा भारत में होता है भारत के कौन से राज्य में होता है राजस्थान में होता है तो इस क्वेश्चन का चकदे फटे कर दिया आप लोगों ने अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई प्रमाणित प्रतियों को अदालतों से जेलों में स्थानांतरित करने के लिए शुरू की गई प्रणाली का नाम क्या है तो साथियों ये है सुप्रीम कोर्ट और ये है हमारी जेल तो यहां से कुछ फाइलें भेजनी है जेल में मेरे दोस्तों या जेल से कुछ हामी भरनी है तो जैसे हम आपस में मेल नहीं करते तो ये फाइलें अब क्या होंगी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगी ताकि ऑफलाइन का वेट ना करना पड़े और जो मैन फोर्स है उसको कम किया जा सके तो मेरे दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम चलाया है फास्टर फास्टर जल्दी से फास्टर की फुल फॉर्म बताओ जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो यहां पे मैक्सिमम जो 34 हो सकते हैं और अभी जो हमारे एन रमना है मेरे साथियों वो हमारे क्या है इस बेंच के हेड भी थे और एम रमना जो है वो हमारे 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमना से पहले कौन हुआ करते थे तो एनवी रमना से पहले शरद अरविंद बोबड़े हुआ करते थे उनसे पहले कौन थे वो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से फटाफट -फड़ से ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देनी है फास्टर की फुल फॉर्म कुछ लोग सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों क्या है एफ का मतलब क्या है यहां पर एफ ए एस टी ई आर आप लोगों का तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा जो सुप्रीम कोर्ट जेल को भेजेगा वो क्या होगा तो वो होगा मेरे दोस्तों रिकॉर्ड रटना मत ठीक है तो रिकॉर्ड ही तो भेजेगा मेरे दोस्तों रिकॉर्ड को कैसे भेजेगा सर जी इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा तो ई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब मेरे दोस्तों ऑनलाइन ही तो भेजेगा अब भेजना मतलब ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिशन तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों एस का मतलब ए का मतलब क्या है तो यहां पर एफ को क्या भेजेगा जल्दी जल्दी भेजेगा तो मतलब ये क्या भेजेगा फास्ट भेजेगा और जब फास्ट भेजेगा तो कैसे रहेंगे वो सिक्योर रहने जरूरी है तो यहां पर आप लोगों का सिक्योर हो जाएगा एंड तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन मेरे दोस्तों किसका ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये आप लोगों का फास्टर है जो वहां पे शुरू किया गया है इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिएगा तो सोनम तिवारी जी का देखो एक कहना है कि सर सारी जॉब जो है ऑनलाइन हो रही है सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो इससे जॉब में भारी कमी आ रही है नहीं मेरे दोस्तों ऑनलाइन होने से जॉब में भारी कमी कैसे आएगी ये बताओ आपका कहना ये है कि सर जी पहले डाक से जाता तो डाकिया रहता या चीजें वहां पे पहुंचती बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि डाकिया रहता और डाक होती तो उसकी एक नौकरी होती अब डाकिया की नौकरी चली गई आपका कहना यह है लेकिन हमारे दोस्तों डाकिया की नौकरी चलो मैंने मान लिया एक चली भी गई तो लेकिन एक उस बंदे की नौकरी बढ़ेगी ना जो इसको डेवलप कर रहा है ये जो फास्टर है ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी ने जब ये किसी किसी ने ने डेवलप डेवलप की की होगी होगी जब तो कोई बैठा होगा पीछे इसके इसको इसको डेवलप करने के लिए तो इसको भी तो भी इंसान ने ही बनाया होगा तो देखो जॉब नहीं जा रही स्किल्स को बढ़ाना पड़ रहा है लोगों को लोगों को पढ़ना जरूरी हो गया है अपनी स्किल्स को डेवलप करना जरूरी हो गया है पहले अगर किसी के पास स्किल नहीं थी तो वो डाकिया की नौकरी कर सकता था लेकिन अभी क्या है अभी उसको ये वाली जॉब में जाना है तो ये वाली जॉब का तो इसके पीछे भी तो एक बंदा आएगा ना इसको ये कौन सा अपने आप हो जाएगी अपने आप तो नहीं होगी ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो ट्रांसमिशन है इसको भी तो डेवलप किया होगा ना साथियों चलिएगा तो ये सारी की सारी चीजें हैं ध्यान से समझेंगे ओके चलिएगा तो ये सारी इंपोर्टेंट है मार्क कर लेंगे अगला क्वेश्चन विश्व पर्यटन दिवस तो जब भी हम पर्यटन दिवस के बारे में बात करेंगे टूरिज्म तो यहां पर जो टूरिज्म है आप लोगों का जब हम टूरिज्म के बारे में बात करेंगे तो टूरिज्म हमारा मिलेगा 27 सितंबर को अब दोस्तों यहां पर दो तीन बातें हैं जिनको आप सभी लोगों ने बढ़ावा देना है तो सबसे पहले नेशनल टूरिज्म डे कौन सा नेशनल टूरिज्म डे ठीक है तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी 25 जनवरी को दूसरा दिन कौन सा होता है तो ये होता है वोटर डे कौन सा होता है वोटर डे वोटर मतलब मतदाता दिवस होता है चलिएगा मेरे दोस्तों अब यहां पे जो टूरिज्म मंत्री हैं हमारे उनका नाम क्या है जी सतीश रेड्डी अब फिर से ऑनलाइन की बात छेड़ूंगा अभी आपने बोला ना ऑनलाइन हो रहा है तो मेरे दोस्तों पहले आपने सुना होगा कि एक गाइड हुआ करते थे आज भी हैं ठीक है थीके? आपने कहीं पर घूमने कोई जा रहा है तो गाइड हुआ करते थे अब कम हो गए हैं काफी ठीक है अब मेरे दोस्तों गाइड तो हुआ करते थे अब क्या है कि भारत में मेरे दोस्तों एक ऐप को लॉन्च किया गया था ऑडियो ऑडिगो ठीक है तो ऑडियो ऑडिगो नाम की जो एप थी आप लोगों की उसको शुरू किया गया था सबसे पहले इसको इनिशियली लेवल पे 12 लैंग्वेज में शुरू किया है और ये लोगों को क्या करेगी गाइड करेगी ठीक है कि भैया यहां पे ये चीज फेमस है ये चीज फेमस है तो ये टूरिज्म मंत्रालय ने आप लोगों की एक मेरे दोस्तों क्या निकाली थी ऐप आप लोगों की निकाली थी ध्यान रखिएगा दोस्तों अट्ठाईस सेप्टेंबर को हमने रेबीज डे मनाया है मेरे दोस्तों और जो यूनिवर्सली एक्सिस ऑफ इंफॉर्मेशन डे है वो भी हमारा 28 को ही है दोस्तों 29 को हम मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे ध्यान रख लेंगे और 25 को हमने अंतोदय दिवस के रूप में मनाया था अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए कितने सी मेरे दोस्तों 295 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ में समझौता किया है तो यहां पे मैंने कल ही आपको बताया था कि जब हमने C295 खरीदने हैं तो हमने छप्पन खरीदने हैं सोलह फुल्ली बनाए हुए और 40 का सामान ये कौन सी कंपनी हमारी खरीद रही है टाटा खरीद रही है किससे खरीद रही है तो दोस्तों एयरबस आप लोगों का डिफेंस एयरबस जो स्पेन की कंपनी है उसके साथ में खरीद रही है ये समझौता कितने का है ये समझौता 2.5 बिलियन डॉलर का है कितने का है 2.5 बिलियन डॉलर का है ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब हम रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह आ जाएंगे आप सभी लोगों के याद रख लीजिएगा जब हम स्पेन की बात करेंगे ये राजनेशन हो गया राजनाथ है भाई ठीक है यहां पर जब हम स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन से जुड़ी खबरों में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था यह जीता था मेरे दोस्तों आप लोगों का मैक्स वर्सैपन ने किसने जीता था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्सैपन ने जीता था ध्यान रख लीजिएगा जब हम आगे चलेंगे तो ये आप लोगों का क्या है C295 है आप लोगों का जो आपके सामने है मेरे दोस्तों 2.5 बिलियन छप्पन मैंने आपको बता दिया और एच एस को ये रिप्लेस करेगा और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ये इसका पैंतीसवा ऑपरेटर होगी ठीक है और इंडियन एयरफोर्स के नए कौन बने हैं विवेक राम चौधरी सत्ताइसवें नंबर के बने हैं याद रख लीजिएगा ठीक है रूसी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स कल ही बताई थी मैंने आपको लुइस हेमिल्टन है कौन है लुइस हेमिलटन जो है वो रूसी ग्रैंड प्रिक्स के हैं इसको जरूर याद रखिएगा इंपोर्टेंट है ठीक है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों हमारा फ्रॉड लोन कितना है दो में हमारा फ्रॉड लोन कितना है मैंने कल एक न्यूज पढ़ाई थी आपको ध्यान होगा आरबीआई ने आरबीआई ने जो ये आरबीआई है इसने अनुमति दे दी एसेट ट्रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ठीक है क्या अनुमति मिल गई है या ये कह लो कि जो हमारे बैंक हैं तो आर ने ये बोल दिया है कि भैया जितने भी बैंक हैं वो अपना बैड लोन वो अपना बैड लोन क्या है एसेट ट्रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं कि ये हमारा बैड लोन है हमें इतने पैसे दे दो आप इसको वसूलते रहना ठीक है तो आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दे दी है कि भैया अपना जो बैड लोन है वो आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं बैड लोन की परिभाषा क्या होगी यहां पर किसी आदमी ने मेरे दोस्तों लोन नहीं दिया देखो ध्यान से समझिएगा किसी आदमी ने लोन नहीं दिया मतलब एक एक्स वाई जेड है हमारा गोलू है समझ लो ठीक है तो हमारा कौन है गोलू ये हमारा गोलू है अब गोलू को एक हजार रुपए देने थे बैंक के ठीक है क्योंकि गोलू ने एक हजार रुपए उधार लिए थे कब वैलेंटाइन डे पे ठीक है लेकिन गोलू ने दिए नहीं कब तक नहीं दिए नब्बे दिनों तक नहीं दिए ठीक है जब उसको वापस करने का टाइम था तो गोलू ने नब्बे दिनों तक नहीं दिए और जब गोलू ने नब्बे दिनों तक नहीं दिए तो ये क्या बन गया ये एनपीए बन गया एनपीए बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब बन गया तो मेरे दोस्तों क्या करेगा बैंक इसको साठ दिन और देखेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के बाद साठ दिन और देखेगा और अगर साठ दिन तक भी गोलू पैसे देने नहीं आया तो बैंक उम्मीद छोड़ के ये जो लोन है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच सकता है और जो बेड लोन था हमारा दो हजार में वो 1.37 ट्रिलियन था ये चीजें याद रखिएगा ठीक है ये आप लोगों का इंपोर्टेंट है तो इनको ध्यान में रखिएगा तो किस तरह से आपका बनेगा ये सारी चीजें आपके सामने है इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ठीक है समझ में आ गया तो यहां पर मैं आपको बता दू कि दो हजार का जो बेड लोन है वो वन है और दो हजार -20 का जो था वो वन ट्रिलियन था ठीक है उसके बाद हाल ही में किस मंत्रालय ने अंत्योदय दिवस पर पिछहत्तर विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार दिया है तो हमारे कितने जो विकलांग कैंडिडेट थे कितने पिछहत्तर क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव का पिछहत्तरवा साल हमारा चल रहा है तो उसमें हुनरबाज जो पुरस्कार है हमारे उसको जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अब मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है तो इनका नाम है गिरिराज क्या नाम है गिरिराज है कहां से बेगूसराय से तो बेगूसराय से सांसद है दोस्तों ध्यान से समझिएगा हमारे गृह मंत्री कौन है अमित शाह है मेरे दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री कौन है नितिन गडकरी हैं दोस्तों यहाँ पर युवा मामलों के मंत्री कौन है अनुराग ठाकुर है साथियों और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है गिरिराज सिंह हैं ओके okay, समझ में आ गया विकलांग डे हमारा जो पर्सन डिसेबल पर्सन डे है ये कब मनाया जाता है तो डिसेबल पर्सन डे जो है ये तीन दिसंबर को मनाया जाता है जरूर आप लोगों को याद रखना है हम इनको दिव्यांग बोलेंगे बेसिकली ये विकलांग वर्ड हम यूज नहीं करते साथियों हम दिव्यांग वर्ड को यूज करते हैं ठीक है चलिएगा ज्योति सुरेखा बेमन का हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मंच पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैंने आपको आज ही पढ़ाया था मेरे दोस्तों जो आर्चरी आप लोगों का वर्ल्ड चैंपियनशिप है आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 हजार कहां चल रही है ंगटोन यूएसए में खत्म हो गई है भारत ने कितने मेडल जीते हैं तो भारत ने तीन मेडल जीते हैं जिसमें अगर मैं आपको बात करूं तो ज्योति 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 सुरेखा 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 का का नाम नाम बड़ा फेमस है। सुरेखा, नाम फेमस है 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 क्यों मेरे दोस्तों क्योंकि सुरेखा ने जीता है आप लोगों वुमेन इंडिविजुअल में वुमेन कंपाउंड में भी ये है वुमेन कंपाउंड में आपकी मेरे दोस्तों कौन है आपकी मुस्कुरा मुस्कान किरार है एक आप लोगों की प्रिया गुज्जर है और एक ज्योति सुरेखा है और अगर मैं दूसरे में बात करूंगा तो अभिषेक वर्मा है ठीक है और आपके जो है ज्योति सुरेखा है तो ज्योति सुरेखा का ज्यादा आप लोगों को इंपोर्टेंट बन रहा है तो ज्योति सुरेखा किस गेम से रिलेट करती है आर्चरी से लेकिन इन्होंने जो रजत पदक जीता है काहे में जीता है आर्चरी में जीता है किस में जीता है आर्चरी में जीता है तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे पूछा जा सकता है दोस्तों जब हम बैडमिंटन की बात करेंगे ठीक है किसकी बात करेंगे बैडमिंटन की तो यहां पर जो हमारा ये बैडमिंटन है साथियों इसमें हमारी जो पीवी सिंधु है समझिएगा ध्यान से जो बैडमिंटन में पीवी सिंधु है वो हमारी दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है अगर आपको याद हो तो उन्होंने 2016 में जीता था ठीक है और उन्होंने 2021 में ब्रॉन्ज जीता है तो दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली अगर आप सभी को मालूम हो तो बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं कौन पीवी सिंधु पीवी सिंधु पीवी सिंधु ठीक है दोस्तों जब हम टेनिस की बात करते हैं तो आज ही मैंने आपको बताया है जो औस्तवारा चेस रिपब्लिक का कप है मेरे दोस्तों कहा का ओस्तवार जो ओपन है चेस रिपब्लिक का है उसमें सानिया मिर्जा ने डबल्स में जीता है और दोस्तों ये क्या है शूटिंग है इसको अभी शूट कर दो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन ये थी मेरे दोस्तों ज्योति सुरेखा याद रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस अभी मैं आपको बता नहीं रहा कि ज्योति सुरेखा कहां से बिलोंग करती है क्योंकि मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है अभी आगे ठीक है तो विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या था तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विश्व टूरिज्म डे सत्ता सेप्टेंबर है सत्ताईस सेप्टेंबर है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का के ने हाल ही में किस राज्य में तुसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की है तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे तुसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ये कहां पर खोला है अभी अभी केवीआईसी ने तो साथियों खोला है आप लोगों का कहां पर कटक में कहां पर खोला है कटक में और कटक कहां पे पड़ता है आंसर कर दीजिएगा एक बार फटाफट से जल्दी से ठीक है आंसर करो एक बार तब तक मैं भी आपके जो है मेरे दोस्तों क्या है ओपन कर लेता हूं चलिएगा फटाफट से समझ में आ गया बिल्कुल उड़ीसा इसके अंदर बन जाएगा उड़ीसा आप सब लोग बोल रहे हो तो ये क्या आ गया उड़ीसा आ गया ठीक है अब दोस्तों यहां पे दो से तीन चीजें हम देखने वाले हैं दो से तीन चीजें क्या क्या देखें तो सबसे पहले तो केवीआईसी को देख लो केवीआईसी कब बना था 1956 में बना था तब तक मुझे आप सिल्क सिटी बताओ कौन सी है सिल्क सिटी ठीक है तो ये है मुंबई में हेडक्वार्टर है और केवीआईसी जो है कौन से मंत्रालय के अंदर आता है एम एस एम ई के अंदर आता है और जो हमारा केवीआईसी है इसके कौन है विनय कुमार सक्सेना है विनय कुमार सक्सेना है याद रखिएगा अच्छा सिल्क सिटी कौन सी है जो हमारी सिल्क सिटी है कौन सी है तो सिल्क सिटी है आर्यनराज बिल्कुल पोचम पल्ली ये जो हमारी पोचम पल्ली है ये हमारी सिल्क सिटी बनेगी ओके तो अगर आपसे पूछेंगे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया क्या है पोचम पल्ली पोचम पल्ली पोचम पल्ली यहां से चीजें समझ में आ गई दोस्तों ये क्या है लद्दाख है अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था आप लोगों को कि हमारा जो हिमालया फिल्म फेस्टिवल है हिमालया फिल्म फेस्टिवल यह कहां पर लद्दाख में हुआ है दोस्तों गुजरात में अब चौकी धागो की बात हुई है तो टॉय म्यूजियम टॉय म्यूजियम कहां पर है गुजरात के अंदर है ये साथियों क्या है मिजोरम है यहां पे मनाया जाता है चप चारकुट ओके चप चारकुट यहां पर मनाया जाता है अगला किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्लेनिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है प्लेनिटेरियम इनोवेशन चैलेंज क्या है मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था जब मैंने आपको प्लेनिटेरियम इनोवेशन चैलेंज के बारे में बताया था तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारी टेक कंपनियां हैं और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो एक साथ आगे आकर के अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं मतलब जो टेक कंपनी है और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आजकल हर किसी चीज में किस चीज की जरूरत है टेक्नोलॉजी की जरूरत है मतलब आज अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो घर बैठ करके तो यहां पर भी तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है ना मतलब अगर अन अकेडमी की ऐप ही नहीं होगी तो आप कैसे घर पे जाके पढ़ोगे कैसे घर पे पढ़ोगे तो जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसमें टेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है तो स्टार्टअप्स और जो टेक्नोलॉजी कंपनी है आप लोगों की उनको एक साथ लाने के लिए उसमें कुछ इनोवेशन लाने के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज है उसको मेरे दोस्तों शुरू किया गया है और इसमें मेरे दोस्तों इसको शुरू करने वाला कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां पर जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है अश्वनी वैष्णव है आई मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है जितेंद्र सिंह है याद रखिएगा और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो मेरे साथियों कौन है यहां पर आप सभी लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये हमारे मेरे दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत मैं आपको एक बात बता दू ध्यान से अभी आप लोग थोड़ा अपना पेपर दे लो एमटीएस वगैरह का सुपरटेट वगैरह का नवंबर दिसंबर जनवरी तीन महीने डेडिकेटेडली पढ़ाई करेंगे सीईटी एग्जाम की क्योंकि फरवरी में सीई एग्जाम होगा जितेंद्र सिंह से मुझे याद आया तो तीन महीने डेडिकेटेडली पढ़ाई करेंगे किसकी सीई एग्जाम की तो उसको थोड़ा सा आप लोगों ने क्या रखना है ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है ठीक है चलिएगा उसके बाद है दोस्तों चैलेंज है जो मैंने आपको बताया कि टेक फर्मों को और स्टार्टअप्स को एक साथ लेकर के आना है एक मंच पे ध्यान रखेंगे ठीक है चलिएगा यहां पर है जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में किस दक्षिण प्रशांत महासागर के देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिण प्रशांत महासागर ठीक है तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर आप समझ लीजिएगा मैं आपको बता देता हूं देखो ध्यान से समझेंगे जब हम लोग मेरे दोस्तों करते हैं तो क्या है आप लोगों का अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन समझ में आ रहा है आपको और जब हम यहां पर जाते हैं तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन है हमारा ठीक है तो जब हम साउथ पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन उसकी आप लोगों को यहां पे स्थिति पता लग गई तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा सीटी निकले कभी भी फरवरी मार्च में पेपर डेफिनेटली होगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये हमारी जो कंट्री है मेरे दोस्तों ये जो हमारी कंट्री है तो ये हमारी क्या है ये हमारी मेरे दोस्तों साउथ पैसिफिक ओशियन की है क्या है साउथ पैसिफिक ओशियन की कंट्री है बिल्कुल मेरे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग जो है बता रहे हैं इंपोर्टेंट है ठीक है थीके? एक दो लोगों ने आंसर भी करना जो है शुरू कर दिया है तो काफी सारी चीजें हैं ठीक है चलिएगा तो ये आपको समझ में लग गई कि ये कंट्री है अब इसमें से कौन सी कंट्री है उसके चार ऑप्शन हैं आप लोगों के जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय महान्यायालय का रुख किया है तो यह किया है बनातू ने किसने किया है बनातू बनातु बनातु याद रखिएगा दोस्तों अभी पिक्चर क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है ठीक है तो पिक्चर क्वालिटी जब अच्छी नहीं है तो इसलिए इसको जूम करूंगा सब कुछ फट जाएगा ठीक है मतलब अगला वाला यह है कुछ दिन रुक जाओ फिर थोड़े दिन में स्टूडियो से जब पढ़ाई होगी फिर कुछ भी कर सकते हैं अभी यहां पर टेक्निकली चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती हैं ठीक है थीके? तो ये सारी की सारी चीजें कुछ दिन रुक जाओ कुछ दिन की बात है फिर स्टूडियो से पढ़ाई करेंगे दोस्तों बनातू बनातू की कैपिटल आप सभी को मालूम होगा बनातू की जो कैपिटल है वो आप सभी को पता होगा कि इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट विले है क्या है पोर्ट विले है याद रखेंगे और जलवायु परिवर्तन मेरे दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है आप लोगों का जिसमें भारत दसवें नंबर पर है सभी को मालूम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मेरे दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा हेडक्वार्टर मिलेगा द द हेग हेग में कहां पे मिलेगा दाहेग में मेरे साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा जजों का कार्यकाल कितना होता है तो ये जजों का कार्यकाल होता है नौ साल का साल, याद रखिएगा लेकिन जो आई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल होता है तीन साल का तो ये गलती मत करना कभी अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूछते हैं तो तीन साल है जजों का कार्यकाल नौ साल है कितने जज मैक्सिमम है तो हमारे पंद्रह जज मैक्सिमम है ये आप रखेंगे ठीक है दलबीर सिंह भंडारी जो है वो भारतीय जज है दोस्तों फिजी की कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल मुझे एक बार बता दीजिएगा ठीक है चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा स्क्रीन पर ठीक है दोस्तों कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है क्या काम करती है तो डिजिटल स्काई का संबंध ड्रोन से है समझ लीजिएगा एक बार दोस्तों जो ऑनलाइन अनुमति के लिए जो ड्रोन है पायलट है और ऑपरेटरों को पंजीकरण शुरू करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन पायलट एंड ऑपरेटर्स मेरे दोस्तों तो ध्यान से समझिएगा जो डिजिटल स्काई है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है किसका ड्रोन का उनको अनुमति देता है पायलटों को अनुमति देता है और साथ में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं मेरे दोस्तों ऑपरेटर्स कैसे हो गए जैसे मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि C295 जो है आपका तो ऑपरेटर कौन है इंडियन एयरफोर्स है तो जो भी हमारे ड्रोन है पायलट है ऑपरेटर्स हैं उनको अनुमति उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का एक ऑनलाइन मंच है उसी को हमने डिजिटल स्काई कहा है और यह सिंपल सी बात है यह डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आएगा किसके में ना तो नीति आयोग से संबंध है ना आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन से संबंधित है अब जब हम सिविल एविएशन की बात करेंगे तो पहला आपका आ जाएगा सिविल एविएशन डे बता दो कब मनाया जाता है सिविल एविएशन डे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है तीसरा क्वेश्चन है आईसीएओ की अध्यक्ष कौन बनी है आईसीएओ की अध्यक्ष कौन बनी है चौथा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्या बनेगा मेरे दोस्तों सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है चलिएगा अच्छा मुझे एक चीज आप लोग बताओ एक थोड़ा सा एक वोटिंग करो मेरे साथियों कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं क्या मैं इन्हें अगले पेज पे क्वेश्चन के बाद में मतलब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया अब उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या मैं अगले पेज पर हैंड हैंडराइटिंग में लिखना सही है कि लिख करके लाऊ ये आज आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए ठीक है कि मतलब उसको मैं लिख करके लाऊ वो बेस्ट रहेगा आंसर यहीं पे लिख दू या फिर ऐसे लिखता हूं यही बेस्ट है ठीक है तो जल्दी से तो दोस्तों ये क्या है सिविल एविएशन डे सात दिसंबर है दोस्तों आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है मोनेट्रेल में है और इसकी हेड कौन है सैफाली जुनेजा अध्यक्ष इसकी सैफाली जुनेजा है मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैंडराइटिंग हेडराइटिंग हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया चलिएगा तो ये मुझे भी बेस्ट यही लगता है ठीक है चलिएगा दोस्तों क्या है यहां पर किस राज्य ने खीरे को भौगोलिक पहचान टैग मिला है तो दोस्तों खीरा और खीरा कैसा मीठा खीरा तो मीठा खीरा मीठा खीरा ठीक है तो मेरे दोस्तों क्या है ये मीठा खीरा है और मीठा खीरा कहां का चला गया ये नागालैंड का चला गया कहां का चला गया नागालैंड का चला गया दोस्तों जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो सुन लीजिएगा एक हमारा सैंडलवुड एक हमारा सैंडल वुड मेरे दोस्तों यहां पे जीआई टैग टेक के तौर पे है एक हमारा मरगा मेरे दोस्तों बरगा गुल, बर्गा, गुल बर्गा तूर दाल ये भी यहीं पर है एक है चिकम चिकम मगलूर चिकम मगलूर कॉफी है अब चिकम है तो बाबू भी होगा बाबू बुंदा ग्रीस ये आप लोगों की कॉफी है चिकम मगलूर हो गया बाबू बुंदा ग्रीस कॉफी हो गई गुलमर्गा हो गया, सैंडलवुड हो गया और दोस्तों और क्या मिलेगा केरल में केरल में मिलेगा तिरूर। मेरे दोस्तों तिरूर सुपारी या पान के पत्ते दोनों है और साथ में मेरे साथियों पे बस्टा कॉफी भी है रू कॉफी भी है केरल में और

तो विश्व नदी दिवस हमने कब मनाया था फोर्थ संडे को फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेंबर को मनाया था और वॉटर वेज इन अवर कम्युनिटी वॉटर वेज इन अवर कम्युनिटी ये हमारा था और जो हमारा नेशनल रिवर डे है वो चार नवंबर को आता है उसके बारे में ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों कमला भसीन जिनका हाल ही में निधन हो गया था कमला भसीन जिनका हाल ही में निधन हो गया था मेरे दोस्तों होने के अलावा एक प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री थी तो वो दोस्तों क्या थी एक तो लेखिका थी मतलब एक राइटर थी एक कवियत्री भी थी और वुमेन राइट एक्टिविटिस्ट भी थी कौन थी दोस्तों वुमेन राइट एक्टिविटिस्ट मतलब जो हमारी महिला मेरे दोस्तों कार्यकर्ता या महिला जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी वो काम करती थी ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद है साथियों परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है तो परमाणु हथियारों के जो अनमोलन है उसके लिए जो दिन आप लोगों का मनाया जाता है तो मैंने आपको कल ही बताया था देखो अभी थोड़ा सा एक ना पहले मैंने बाय मिस्टेकली पच्चीस को बोल दिया था 25 को क्या बोल दिया था मैंने एनवायरमेंट डे ठीक है तो वो 25 को नहीं आता 26 को आता है किसके साथ में आता है 26 को ठीक है तो परमाणु हथियारों के पूर्ण अनुमूलन का दिवस भी 26 को है और जो हमारा एनवायरमेंट हेल्थ डे है वो भी हमारा 26 को है एनवायरमेंट हेल्थ डे भी 26 को है और हमने मेरे दोस्तों क्या बोला था जो हमारा परमाणु हथियारों का उन्मूलन है वो भी 26 को है ये थोड़ी देर पहले मैंने बाई मिस्टेकली 25 बोल दिया था ठीक है पच्चीस को हम फार्मासिस्ट में आते हैं और पच्चीस को हम अंतोदय में आते हैं ठीक है सत्ताईस आपको मालूम है बहुत पढ़ा दिया आजी। और 28 भी आज मैंने पढ़ाया है 28 को लुई पार्शर लुई पार्शर की मृत्यु हुई थी इसीलिए उनकी याद में रेबीज डे मनाते हैं ध्यान रख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा है सत्ताईस तारीख को प्रत्येक नागरिक को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को वर्चुअल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा मतलब उनको सारा उसमें रिकॉर्ड रहेगा वो डिजिटल आईडी कार्ड कितने अंकों का होगा कितने कोड होंगे उसमें ग्यारह होंगे चौदह तेरह या बारह बता दीजिएगा जो हमारा डिजिटल हेल्थ कार्ड रहेगा उसमें कितनी आप लोगों के मेरे दोस्तों जो है कोड रहेगा कितने उसका तो बारह का तो मैंने आधार कार्ड बताया था मेरे साथियों मैंने कल क्या बताया था कि उसमें आधार कार्ड जरूरी है लेकिन वो चौदह डिजिट का होगा कितने का होगा चौदह 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 नोट बारह ध्यान से सुनना कल जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बोला था आधार कार्ड जो हमारा बारह डिजिट का होता है वो उसके लिए क्या है जरूरी है तो ये चौदह डिजिट का होगा याद रखेंगे ठीक है चलिएगा उसके बाद है वर्ल्ड रेबीज दिवस कब मनाया जाता है तो रेबीज मनाया जाता है 28 सितंबर को लुई पार्सर की मृत्यु वाले दिन लुई पार्शर, लुई पार्सर पार्सर ठीक है है अगला क्वेश्चन भारतीय तीरंदाज बेनम ज्योति सुरेखा यांगटन में तीरंदाजी चैंपियन के दौरान तीन रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी तो इन्होंने तीन रजत पदक जीते मैंने तीनों बताए आप लोगों को ठीक है मैंने तीनों आपको बताया मिक्स्ड में इन्होंने जीता अभिषेक वर्मा के साथ में ठीक है इन्होंने वुमेन वुमेन जो कंपाउंड था उसमें प्रिया गुज्जर के साथ में मुस्कार किरार के साथ में जीता और एक इन्होंने इन्होंने इंडिविजुअल जीता तो तीन रजत जीते एक तरीके से ये ये कहां से बिलोंग करती हैं बता दीजिएगा अब ये आर्चरी मैंने आपको याद करवा दिया मैंने एक एक प्लेयर का नाम आपको याद करवा दिया है कि आपके जो जितने भी इसमें प्लेयर इन्वॉल्व थे तीनों सिल्वर मेडल जीतने में सबका नाम आपको याद है तो ये कहां से बिलोंग करती है बिल्कुल मेरे दोस्तों चेन्नई 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 बिल्कुल गलत जवाब ये विजयवाड़ा से करती हैं कहा से विजयवाड़ा से ठीक है तो ये विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं ध्यान से समझ लीजिएगा इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ठीक है चलो विश्व रेवीज दिवस की सूक्ष्म जीव विज्ञानी की पुण्यतिथि है तो ये पुण्यतिथि किसकी है किसकी है किसकी है, किस है कहा गया लुई पार्सर की है कई बार तो हमने अभी अभी में पढ़ लिया ध्यान रख लेंगे ठीक है तो ये आप लोगों को दोस्तों ध्यान से समझेंगे ये जो सुरेखा थी ये विजय हुई है तीन मेडल में तो इसलिए विजय है इक्कीस क्वेश्चन की हमने श्रद्धांजलि दे दी पहले हमने तेहरा न्यूज पढ़ी उन तेहरा न्यूज की तेहरवी हमने करके अब हमने 21 एमसीक्यू का क्या कर दिया दान दे दिया अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों किसके पास में अपना टी ट्वेंटी खेलने जो हमारे वन लाइनर है ठीक है आप लोगों को ध्यान से समझिएगा जैसे 30 तारीख है जैसे 30 सितंबर है तो 30 सितंबर को न्यूज होंगी 30 सितंबर की सबसे ताजा जैसे 30 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ाता हूं आज तो उन्तीस है जैसे आज उनतीस तो उन्तीस सेप्टेंबर को सबसे पहले न्यूज जो बिल्कुल फ्रेश होती है पहली बार पढ़ रहे होते हो दूसरी बार उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ते हो और तीसरी बार उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ते हो तो यही तीसरा राउंड है आपका वन लाइनर का आ जाओ फटाफट से ठीक है चलिएगा टी ट्वेंटी है इसी को चालीसा कर लो इसी को टी ट्वेंटी कर लो टाइम नहीं बचता ये है वरना इसी को हम चालीसा कर दें ठीक है चलो तो सबसे पहला क्या है वर्ल्ड रिवर डे ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिवर डे अभी बताया था कौन सा चौथा संडे मेरे दोस्तों कब सितंबर को ठीक है याद रख लीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जिसने पिछहत्तर हुनरबाज अवार्ड दिए हैं मेरे दोस्तों ये कहां पर है तो यह है आप लोगों का हैदराबाद अगला क्वेश्चन है विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है जल्दी 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 रिप्लाई करो अंतोदय दिवस कब मनाया जाता है तो दोनों का एक ही आंसर बनेगा 25 सितंबर दीन दयाल उपाध्याय दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने कहा जो दिवस है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है तो डी डी यू दीनदयाल उपाध्याय ओके अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इसमें लिखा हुआ नाम आ गया द फ्रैक्चर्ड हिमालय ये किसकी किताब है मैंने कहा था जब फ्रैक्चर है तो रोए 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 तो ये कौन है ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मेरे दोस्तों जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनके पूर्णतया अनमूलन के लिए आप लोगों का मेरे साथियों क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा 26 सितंबर उस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे भी मनाते हैं दोस्तों प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया आप लोगों का जो है मेरे दोस्तों स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है तो स्टीव विन ने, किसने है, है? एप्पल के को फाउंडर है दोस्तों इंडियन आर्मी ने विजोई सांस्कृतिक महोत्सव ये कहां पे मेरे दोस्तों सेलिब्रेट किया है कोलकाता में सेलिब्रेट किया है डूरेंट कप वाले कोलकाता में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ऐसे करने वाला कौन है चाइना जो दुबई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जर्मनी? तो जर्मनी है दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से ले लिया है सन्यास तो ये मोइन अली जो है आप लोगों के कहां से बिलोंग करते हैं तो ये है दोस्तों इंग्लैंड से और यहां पर किस संगठन ने ए सी जीरो जीरो वन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जर भी बना दिया है तो संगठन का नाम है ए आर ए आई मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओके चलिएगा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के आवेदन करोगे आप सभी लोग तो क्या जरूरी होगा तो आप सभी ने बोला सर इसका आधार तो आधार कार्ड ही होगा ओके दोस्तों टी फॉर्मेट में दस हजार रन बनाने वाला कौन है चीकू चीकू ठीक है तो यहां पर आ जाएगा विराट कोहली ठीक है उसके बाद है गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया सर ये प्रतिबंध लगाने का गेम्स ऑफ चांस पर किसका नाटक है कर्नाटक का नाटक है जिसका डांस सुग्गी है मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था याद रख लीजिएगा दोस्तों भारत की किस तकनीकी पहल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी के तहत खरीद पुरस्कार सी में उत्कृष्टता प्राप्त की है भैया वो कौन सा है जहां पे आप लोगों का उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है डिजिटल प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए तो यह हमारा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भूल गए होंगे तो मैंने सोचा याद ही दिला दूं ठीक है अगला क्वेश्चन है फसाई ने क्या फसाया ट्रांसफेट को फसाया और उसकी परसेंटेज को कम कराया तो कितना मेरे दोस्तों सीमित कर दिया है तो ये आप लोगों का सीमित कर दिया है कितना दो परसेंट पे और मां सरस्वती की कृपा से कल का होमवर्क रिपीट हो रहा है क्योंकि आप में से किसी ने आंसर नहीं किया था होमवर्क आपको लग रहा था तगड़ा किस संगठन ने जलवायु संकेतक और सतत विकास अंतर संबंधों का प्रदर्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है तो इन सभी चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताओगे मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा ये ऑर्गेनाइजेशन लेकिन आपको पहले बताना है इन सभी के बारे में डिटेल में ये रिपोर्ट क्या होती है किस तरह से काम करती है पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं अब ये पांच मिनट आपके नाम पर है सेशन आप लोगों का था ध्यान से समझ लेंगे ऐप पर आज जो क्लास मिलेंगी आपको ऐप के ऊपर आज क्लास मिलेंगी तो आज ऐप के ऊपर दो बजे और चार बजे दो क्लास आपको स्पेशल क्लास मिलेंगी ठीक है तो दो बजे और चार बजे दो स्पेशल क्लास आप लोगों को ऐप के ऊपर मिलेंगी ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा आना मत भूलिएगा टाटा है बाय बाय है टेक केयर है जय हिंद है जय भारत है और साथियों एक में आपको बोलूंगा कि होमवर्क को करो यार जितना मैक्सिम कर सकते हो उतना होमवर्क को करो ठीक है प्लीज चार बजे वाली पांच बजे कर दीजिएगा साक्षी जी बस आज आज के लिए है पांच बजे कर नहीं सकता क्योंकि साढ़े पांच बजे नहीं सवा पांच बजे मेरी दूसरी क्लास भी है ना आज इकोनॉमिक्स की इसलिए बस आज आज के लिए है है बजे बजे वाली वाली वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं तो दो बजे वाली टाइमिंग है ओके okay. कंट्रीज और एक्सरसाइज नहीं करेंगे प्रशांत गौरव डेफिनेटली करेंगे दोस्त एक एक वन बाय वन सब कुछ करेंगे रुक जाओ बस एक दो दिन ठीक है तो रोज एक चीज करेंगे टेंशन मत लीजिएगा ठीक है सब कुछ करेंगे आज आज के लिए है बस चार बजे वाली चार बजे वाली फिक्स नहीं है दो बजे फिक्स है टाइमिंग रात को नौ बजे फिक्स है और सुबह छह बजे फिक्स है ठीक है ये टाइमिंग फिक्स है ठीक तो तो है तो चलिएगा तो जय हिंद है है जय भारत आज काफी सारी क्लास है ठीक है तो आज काफी सारी क्लास है किसी को कुछ पूछना है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं ठीक है कमेंट भी कर दिया करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिएगा आगे करेंगे फटाफट से बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा ये क्या कह रहे हैं मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है तो मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम मैं लिख देता हूं वरना ऐसे तो नहीं याद कर पाओगे तो आप उनका नाम है मिशेल कह लो या माइकल कह लो माइकल माई बैक ठीक है ये हमारे जो है आ, क्या कहते हैं जो मास्टर कार्ड है उसके सीईओ है ठीक है देखो ये चीजें ना जरूरी नहीं होती मतलब पेपर में पूछी जाए तो मैं इसलिए उसके साथ में बताता नहीं हूं बच्चों को ऐसे लगता होगा कि छूट गया लेकिन जरूरी नहीं था इंपोर्टेंट नहीं था तो मैंने साथ में बताया नहीं मैं वही चीज बताता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो ठीक है वरना तो बहुत सारी चीजें आपने पूछा तो ये रहा उसका उनका नाम ठीक है माइ सेल माई, माई बैग था ठीक है चलिएगा अमेंडमेंट साक्षी जी आपने बताया था रुक जाइएगा उसका शेड्यूल दे दूंगा मैं आपको इस हफ्ते में ओके चलो जय हिंद जय भारत है मिलेंगे फिर आप लोगों को ठीक है जी ओके कोई भी डाउट हो कैसा भी पूछो आप ही के लिए है आप अगर मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे ठीक है चलिए ओके राहुल वर्मा जी ठीक है जय हिंद जय भारत ओके आठ अक्टूबर को एग्जाम है उससे पहले सोचेंगे चलिए जाओ उससे पहले ही करा दिया जाएगा जीडी की कोई स्पेशल क्लास है वंदना जी दो बजे चलती है दो बजे कोई बात नहीं रत्नाकर जी टेक केयर होमवर्क संपा जी आज देखूंगा तभी रिपीट किया है चलो जय कल किसी ने किया नहीं था